नमस्कार, मैं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं आवाज। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य सुर्खियों पर। इस साल नहीं होगा एनपीआर और जनगणना का पहला चरण, कोरोना संक्रमण के चलते रुका काम। अब यूपीआई रुपए जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किए निर्देश। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को मिलेगी स्टार रेटिंग, सुधरेंगी व्यवस्था। कोरोना से मौत के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। एनबीई ने एमबीबीएस पास स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया 2 साल का नया पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम। रेल मंत्री ने यूपी बिहार समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी, कहा पीएम कर रहे हैं निगरानी। बिहार के पटना सहित कई रूटों पर चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें, चल रही है तैयारी। अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन और जीजा से भी सीबीआई करेगी पूछताछ, जांच एजेंसी ने भेजा समन। वहीं रिया की ड्रग चैट को लेकर गोवा के होटल व्यवसायी से होगी पूछताछ। भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जंगी जहाज। लालू यादव से मिलकर बिहार लौट रहे 2 आरजेडी नेताओं की सड़क दुर्घटना में मौत। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 2078 नए मामले, पटना में सबसे अधिक संक्रमित। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खेल समाचारों पर। बाबर आजम ने T20 में विराट कोहली व एरन फिंच के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी। शतरंज ओलंपियाड में विवाद के बाद भारत रूस बने संयुक्त विजेता, भारत पहली बार जीता गोल्ड मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई। आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप देख रहे हैं आवाज। धन्यवाद।